इसराइल हमास युद्ध का आज सातवां दिन है। हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। इसी बीच इसराइल की सेना यानी IDF ने गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। IDF ने शुक्रवार को गाजा के आम लोगों से कहा कि वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए गाजा के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। इसराइल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर वहां अफरा तफरी का माहौल है। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा को खाली कराना इजरायल के मानवीय कदमों का हिस्सा है। सेना का कहना है कि इजरायल का मकसद लोगों की जान बचाना है। गाजा के लोग इजरायल के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमास के आतंकियों के सफाई के दौरान होने वाली एयर स्ट्राइक से आम लोगों को बचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इजरायल के इस आदेश से संयुक्त राष्ट्र भड़क उठा है और ऐसा करना नामुमकिन बताते हुए कहा है कि इस इलाके में 11 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि इजरायल इस ऑर्डर को वापस ले ले। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गाजा के लोगों को इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से दी गई इस प्रतिक्रिया पर इसराइल ने आपत्ति जताते हुए इसे शर्मनाक बताया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत गिलाद इर्दन ने कहा कि इसराइल केवल हमास के विरुद्ध है। गिलाद इर्दन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कई वर्षों से गाजा पट्टी में हमास द्वारा नागरिक आबादी और नागरिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने और उनके बीच हथियार छिपाने और उनकी हत्या करने पर आंखें मूंद रखी हैं और अब इसराइल के साथ खड़े होने के बजाय इसराइल को ही देश दे रहा है, जबकि उसके नागरिकों पर हमास आतंकवादियों ने कोहराम मचाकर उन्हें मार डाला है। संयुक्त राष्ट्र को अब इजरायली बंधकों को हमास के चंगुल से वापस करने और हमास की निंदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि हमास के हमले में अब तक इजरायल के करीब 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि गाजा पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 1500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।